देवभूमि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून से लेकर ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली नेता के तौर पर स्थापित किया है। इस साल के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा को जीत कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के कारण मिली है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भाजपा के एक भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री सहित कई नेता मंत्रियों ने सीएम धामी को उनके जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलों में सबसे आगे हैं। ईश्वर करे कि वे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास व गरीब कल्याण का सुनहरा दौर देख रहा है। बाबा केदारनाथ से आपके स्वास्थ्य, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर के जरिए कहा कि पावन देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति करे। बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना है।